कल आज और कल लाल गोयल के संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग का सीधा प्रसारण V4 न्यूज ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से संवाद सारोकार न्यूज, ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एवं ज्ञान द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में हमारा उद्देश्य है आपको रूबरू कराना उन विशिष्ट विभूतियों को से जिन्होंने कि अपने जीवन काल में बहुत ही ऊंचाइयों को छुआ है, जिन्होंने जो अपने आप में एक बहुत बड़े प्रेरणादायक हैं आज की युवा पीढ़ी के लिए। और आज ऐसे ही एक विशिष्ट अतिथि से मैं आप सबका परिचय कराना चाहूंगा। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रोफेसर डॉक्टर एन श्रीधर शेट्टी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में। प्रोफेसर डॉक्टर एन श्रीधर शेट्टी, आप अध्यापक, फिलोसोफर, रिसर्चर, एडमिनिस्ट्रेटर, स्पोर्ट्समैन, विजनरी हैं। आप सेंटर फॉर एडवांस्ड डेंटो फेशियल स्टोमेटोग्राफिक ग्रंथिक साइंसेज निट्टे यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं। आप फाउंडर डीन हैं AB शेट्टी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज निट्टे यूनिवर्सिटी के। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के 1995 से 1998 आपको लगभग 48 वर्षों का टीचिंग का अध्यापन का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है डेंटिस्ट्री में। आप का रिकॉर्ड है कि आप 21 वर्ष तक डीन एवं प्रिंसिपल रहे एक ही संस्था के, ये अपने आप में एक नया ही मापदंड है। आप प्रोफेसर डॉक्टर एन श्रीधर शेट्टी को भारतवर्ष का बहुत ही सम्मानजनक चिकित्सा क्षेत्र का अवार्ड डॉक्टर BC रॉय नेशनल अवार्ड 1996 में 1996 में प्रदान किया गया। यह अवार्ड महामहिम राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया। आप बहुत ही एमिनेंट टीचर, आपको जो एक एमिनेंट टीचर अवार्ड होता है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ साइंसेज, वो दिया गया राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के द्वारा। आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया इंडियन प्रोस्टोडोंटिक सोसाइटी द्वारा। आपका जो कार्य है और जो कार्य क्षेत्र रहा है उसमें आपका जो एक आपका विचार रहा है और जिसके लिए आप बहुत कार्यरत हैं और आगे भी रहना चाहते हैं और आपने काफी किया भी है कि आप मुफ्त में, फ्री में एक थर्ड स्टेज की टेरिटरी हेल्थ केयर देना चाहते हैं ग्रामीण अंचलों में, जहां पे कि उनको ग्रामीण भाई और बहनों को मुफ्त में ये मेडिकल सर्विसेज मिले उनके घर के आसपास ही। तो एक बहुत बहुत ही उत्तम विचार है और इस बहुत आपने एक ध्येय बनाया हुआ है और आप उसके लिए बहुत ज्यादा कार्यरत हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः डॉक्टर शेट्टी आपका हमारे कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में। डॉक्टर शेट्टी, आप भारत में ही नहीं, मैं तो बेंगलुरु और कर्नाटका की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक बहुत ही पितामह के रूप में जाने जाते हैं डेंटल साइंस के। यू आर लाइक ए गॉड फादर इन द डेंटल साइंस नाउ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता आपके, आपका जो कार्य क्षेत्र है डेंटल साइंसेस का उस बारे में सबको पता है, आपकी टीचिंग के बारे में पता है, आपके शिष्य देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं में कार्यरत हैं। लेकिन आपका जो जीवन है, जो आपका आपके बारे में जो है वो बहुत कम लोगों को पता है। तो आज हम कोशिश करेंगे आपके उन पन्नों को टटोलने की जहां पे अभी लोगों को नहीं ज्यादा पता है। तो मेरा आपसे पहला प्रश्न है, आप पैदा कब और कहां हुए,
आपका बचपन कहाँ बीता और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, वेयर एंड वेन यू वर बॉर्न, वेयर यू स्पेंड योर चाइल्डहुड एंड वेयर यू हैव योर प्राइमरी एजुकेशन। प्रोफेसर डॉक्टर एन सी शेट्टी प्लीज। नमस्कार, जो हम अभी हिंदी से बात करना चाहता हूँ लेकिन हमारा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी कोशिश करके आपको हिंदी से बात करेगा। हमारा फायदा हुआ है, एक छोटा सा टाउन कुंदापुर, ये कुंदापुर दक्षिण कन्नड़ जिला में एक टाउन है। हमारा माँ बाप उधर ही व्यापार करते थे, हमारा बाप का कपड़ा का दुकान था। हम एक्चुअली वी आर फ्रॉम विलेज, माई अवर फैमिली विलेज इज कॉल्ड एज अ नैलाड़ी विलेज इन उडुपी डिस्ट्रिक्ट, एंड अपना माई फादर्स विलेज इज कॉल्ड एज चित्तूर विलेज, दैट्स इन बैंदूर तालुक। नाउ आई वॉज बोर्न इन 1941 जुलाई 9th, and now tomorrow I'll be 80 years old, and I am the fourth child of my parents. I have two elder brothers and one elder sister, then I have three more younger sisters and two more younger brothers. We are hailing from a landholder's family. We were all actually, you know, upon a full family, our Nailadi family, you know, we have a maternal system of inheritance. इसके लिए हम लोग अपना मदर का गांव को हमारा नाम से लगाता है। वो सारे गांव में साजी खेत पात सभी हमारा फैमिली का होता है, Nailadi फैमिली का। मेरा मदर का थोड़ा हिस्सा होता है लेकिन फैमिली का होता है। लेकिन हम लोग कुंदापुर टाउन में था क्योंकि हमारा मेरा फादर उसका क्लॉथ बिजनेस था, ही वाज डूइंग क्लॉथ बिजनेस अपार्ट फ्रॉम खेती पाती कवर से। अभी ऐसा हुआ है, हमारा बचपन 15 साल के तक एक कुंदापुर टाउन में भी हुआ है। हमने 3 बरस में माई एज वॉज 3 years old, I went to the school. Our first primary school was Hindu primary school, it is called as primary school, Hindu primary school. Well, somebody may surprise why I have gone at 3 years. In those days, people will not go that early. My brother, who is older than me by 1.5 years, we were very close, being a very, this one, my brother Ratnakar now, who is in the States now. He went to the school. So I still remember that scene of I am waiting at the gate of our house, waiting for my brother every day. So my attachment with my brother was so much in those younger days. So because he was very close to age of mine and we are playing together. So my mother took pity on me rather, and then she asked me to join me in, put me in the school, in the Hindu primary school. So it was only up to the fifth standard, 5 years ke tak primary school tha. Uske baad humne board high school Kundapur mein aage padhne ke liye dakhil hua tha. Jab dakhil hone ke time par hamara age mere bhai se zyada rakha tha, kyunki admission time mein wo admission nahi deta hai 3 years ka bachche ko. So isliye बाद में करेक्शन करके माय डेट ऑफ बर्थ 9/7/1941 किया है। और स्कूल डेज, बिकॉज़ स्कूल डेज वाज़ द बेस्ट डेज फॉर अस। कुछ आपको उस वक्त के कुछ संस्मरण याद हो, कुछ मेमोरीज जो आप हमारे शेयर करना चाहें? जी, बिकॉज़ आवर फैमिली वाज़ इन टाउन, लॉट ऑफ चिल्ड्रन of our families and of my father's families, they were to join the school, they were all coming and they were in our house. So in our house, there used to be about 15 to 20 children of our age or little older going to the school. So we all used to enjoy.
But one thing I remember, because of my mother's encouragement, mother's discipline, we could pursue our studies and do well in the schools. She wanted every child in the family to get educated. Though she was not educated, though my father was not educated, she wanted every child in our family to get educated. Not only her children, even her brothers, sisters, or everybody to get educated. बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप डॉक्टर शेट्टी कि आपकी मदर ने सब बच्चों को जबकि वो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी आपके फादर भी पढ़े लिखे नहीं थे कि उन सबको वो चाहती थी कि वो खूब पढ़े लिखे और एक जो बड़ी अच्छी बात बताई है डॉक्टर शेट्टी ने कि यहाँ पर इस तरह का एक रिवाज है कि मदर के को शेयर मिलता है और मदर का नाम लगाया जाता है मदर के गांव का नाम लगाया जाता है यहाँ के सरनेम में जबकि नॉर्थ इंडिया में और जगह ज्यादातर फादर का नाम होता है या फादर के सरनेम होता है वहां के तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस तरह की एक भावना और मदर को इतनी रेस्पेक्ट देना जो यहाँ पे होती है तो आपने इसके बाद एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जब सब बच्चे पढ़ रहे थे आपने बताया करीब 20 एक बच्चे थे 20 चिल्ड्रन एट वन टाइम तो क्या सब बच्चों पढ़ाई में बहुत तेज थे या आप ही सबसे आगे थे ऐसा है अपना हमारा मदर का डिसिप्लिन ऐसा है जो बच्चे हैं एक 10 मिनट 10 बजे को क्लास शुरू हो जाता है 10 मिनट के पहले हम घर से निकलना पड़ेगा एक ही रोड में जाना दूसरा रोड में नहीं जाने का सभी साथ में जाने का और स्कूल जाने के बाद यू मे नॉट बिलीव इट दैट आई हैव नॉट टेकन अ होटल फूड और अ शॉप फूड till I pass my 11th standard. We are not allowed to buy anything. So those days we were all little, anxiety about, not buying things and all when other children are buying chocolates and other things in the shop. Today, after going to the colleges and I see and teaching the students, I see that it's the best. See, the reason is you always find, even today you see the hotel food is best, every children likes. Burger, this, that and all. Now, in those days, we don't have any money to buy those things. Those days, there were no cupboards and this one for people to who are coming in the house, who are earning members. They don't have, so they just hang their shirt. There will be money in their pockets. So people who are tempted to buy things, first they will steal few anas, not paisas doses, anas, no? So yes. They steal that and they will go and eat. Now, even if somebody gives us the money, we are not supposed to spend it. We are supposed to put it in a dabba. तो आपने जो ये बात बताई कि इतने आप डिसिप्लिन में रहे तो इसके बाद आपकी हायर जब आपने कौन सी क्लास तक आप वहां पढ़े कुंदापुर में 11th standard उसके बाद वो ये उधर प्री यूनिवर्सिटी कोर्स करना है ना वो हम सेंट एलोसियस कॉलेज इन मैंगलोर से किया है आई लर्नड अनदर गुड एस्पेक्ट इन सेंट एलोसियस कॉलेज मैंगलोर में क्या कि वी यूज्ड टू हैव सेशन एग्जामिनेशंस एवरी वंस इन टू मंथ्स सेशन एग्जामिनेशंस सो इट मेड अस टू रीड एंड सी व्हाट परफॉर्मेंस व्हाट वी कैन डू इट सो आई लर्नड अ गुड थिंग You know, people like us who have come out of the house, free birds, they're getting money every week, every month, some pocket money for spending for food and other things. We are free hand like a salary. We are getting that money. We are tempted for so many things. But we may go astray by, going to the movies, playing this, that and all, not attending the classes. But St. Eloise's College discipline, I liked it because... We have inherited a discipline from my mother and they conducted an examination because of that. Without much efforts, I could pass in a first class in PUC, not that in a big rank or anything, but my effort was not that great as I would have done it today. तो आप जब यहाँ मैंगलोरू में आए तो आप हॉस्टल में रहे या किसी घर में रहे और आप अकेले आए या और भी आपके सब भाई वगैरह सब आए आपके साथ भाई और मैं हम साथ था इधर मैंगलोर में अपना कम्युनिटी पीपल का एक बंस हॉस्टल है रामकृष्ण विद्यार्थी भवन उसमें हम लोग दाखिल हुआ था
उससे ऑफ कोर्स देयर आर सीनियर्स टेकिंग केयर ऑफ अस आल्सो बट वी इट इज नॉट लाइक अ फैमिली टेक केयर इट इज यू नो जस्ट लाइक एन एल्डर्स लाइक अ मास्टर दे वर टेकिंग केयर ऑफ अस बट दिस माय एजुकेशन इन एलओसीएस कॉलेज हैज गिवन मी अ गुड बैकग्राउंड फॉर मी टू बिकम अ एंड पास आउट द पीयूसी इन अ फर्स्ट क्लास उसके बाद पीयूसी के बाद आपने फिर क्या किया डॉक्टर ऐसा है हम दोस डेज nobody knows what we have to do because we are just studying but in our house my uncle that is my mother's brother younger brother by the efforts of my mother he has become an engineer he studied in Annamalai University and he became an engineer then his younger brother also he did his first he joined for a BSc honors and then he did dentistry so we have no guidance in those days what we have to do because we don't have that I have to become a doctor I have to become an engineer I have to become this or that but we want to my mother and my parents want us to go and study and become some graduates so what happened is in those days my another maternal uncle was not taken education much he has passed only up to SSLC he took us around for interview to medical colleges engineering colleges and all those things and my brother got admission in engineering college and then I could not get an admission because you know all these things are on marks we get it so I was trying more on a medical college but ultimately I did not get it fortunately for me the new dental college was started in Bangalore in 1959 so I joined immediately there was a 10 admissions only I could get one of the admissions in those 10 admissions and I pursued the dentistry not that I wanted to do a dentistry not that I want to do a medicine and not that I want to because we have no guidance you know what we have to be because those days we are asked to just to go to school learn and get educated aur us waqt doctor koi competition exam nahi tha sirf marks ke upar aapko admission mila aur us waqt koi donation ya capitation fees wagera kuch aisa nahi tha humne dental college mein jo dakhil hua tha hamara term ka fees tha 50 rupees जी तो आप जब डेंटल कॉलेज में पढ़ने के बाद आप डॉक्टर बने तो उसके बाद फिर आपने प्रैक्टिस शुरू की या टीचिंग में तभी से आप आ गए ऐसा है यू नो बिकॉज दोस डेज इट इज माय वी आर द फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स आई पास्ड विद अ लिटिल लेटर देन माय बैचमेट्स आफ्टर वन और टू इयर्स लेटर बिकॉज आई एक्चुअली I didn't have any plan at that time what to do, but our principal at that time says it's a go and join as a lecturer in the college, because those days scope for us was only a dental college to get employed as a teacher. So I joined for a job. It is not that I wanted to become a teacher or just joined for a job. Now there is one more interesting thing happened to me at that as I was studying. Because I was mostly active in the very sports, you know, being in a medical college, Bangalore Medical College, or dental college was with the medical college those days, and I used to be an active sportsman. You know, most of the games I was team member, and you know, I was a very prominent sportsman in the medical college. So I used to, you know, miss a lot of classes and clinics, though I was doing well. But it unfortunately it so happened that when I appeared for the final examination, we were two people only we appeared. My one from my classmate, Dr. Krishnamurthy and me, and we were you know, as a student you do an average performance. Not that you are doing that, because we didn't have an idea that I have to get a first rank or this and all. All those things were not there in our mind. We are studying and passing out. That was our. Those days. Now he asked me, one of the examiner. He was a big man at that time, the dean of Dental College, and he told me,
that you are not attending your classes properly and all these things, he asked me. I said, yes, whenever sports is there, I never used to attend because I am a sportsman and I'm, most of the teams I'm there, I used to go and listen. And he asked me some questions. Of course, not that I have answered all questions. As an average answer, I have given to him. Then finally, he said, he was actually an examiner for me for three subjects. He said, no, I will not give you a pass. You have to go and practice in some of the areas like Mandya or some places and should not join as a teacher in the college. I suddenly thought that what is this man is talking about as an examiner? I told him, sorry, you cannot dictate me for this. If you say that I have to be a practitioner, then I must be a good clinician. If you are judging me as a good clinician, why not teacher? I can do my studies and become a good teacher also. This is the answer I gave to him. I said, sorry, I will join as a teacher only. That is how I joined as a teacher in the dental college. So time passes, and his professor's comment was good for me because it gave a challenge for me in my life. तो जो आपको एक तरह से चैलेंज मिला आपके एग्जामिनर से, इसलिए आपने सोचा कि नहीं, अब तो मैं एक अच्छा शिक्षक बन के ही दिखाऊंगा, तो आपने फिर शिक्षा के क्षेत्र में आप आ गए। तो आपका कुछ कोई छोटा सा एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे शिक्षा क्षेत्र में, क्योंकि आपका जो प्रोफाइल में है कि आप एक ही इंस्टीट्यूशन से जुड़े रहे इतने कई वर्षों तक और एज ए डीन एंड प्रिंसिपल, तो ऐसा क्या हुआ कि आपको इंस्टीट्यूशन ने नहीं छोड़ा या आपने इंस्टीट्यूशन को नहीं छोड़ा? ऐसा नहीं है, अपना मैंने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में काम करने के लिए शुरू किया था। जब मैं काम करने के लिए शुरू किया तो मेरा फोकस था स्टूडेंट के ऊपर। कौन सा स्टूडेंट्स? जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन नहीं लेते हैं, जो स्टूडेंट्स क्लास को नहीं आता है, उन लोगों को हम पहले से मिले हुए हॉस्टल में, वो मेडिकल कॉलेज का और डेंटल कॉलेज का, उन लोगों को हम क्लास को बुला रहे थे। उसके बाद उन लोगों को फीस नहीं पे किया तो ट्यूशन फीस या एग्जामिनेशन फीस वो उसको हम बढ़ा के उसको क्लास कॉलेज आने के लिए, एग्जामिनेशन आने के लिए, उससे उन लोगों को एनकरेज करके, पढ़ने के लिए एनकरेज करके उन लोगों ने पास हुआ। Oh, those people are so grateful for me because it's not that I have given money for them. It is not that I have made them to come to college. I made them to study. But having become a teacher, I had more requirement that first I should be disciplined. And I always believed satyameva jayate. So I used to tell my students, be truthful. Doesn't matter if you have not come to the class today for what reasons, be truthful. If you are not able to answer well, be truthful. This is what I used to tell my students. That's how I developed such a great affinity for the students. And students also like me so much because in their difficulties, whether it's a personal difficulties, whether it's a financial difficulties, whether it's a studies difficulties, I used to put my efforts to help them. इस बारे में तो मैं इतना कह सकता हूं डॉक्टर शेट्टी की एक हमारी मीडिया कॉन्फ्रेंस में एक डेंटल डॉक्टर आई थी, डॉक्टर श्रुति शानबाग, और उनका कहना था कि जब वो पढ़ा करती थी तो आपका जब नाम का जिक्र आता था तो सबको बड़ा अजीब सा लगता था, क्योंकि आप इतने बड़े डॉक्टर थे और आपका उस लेक्चर सुनने के लिए दूर दूर से सब डॉक्टर चाहते थे कि किसी तरह हम एक लेक्चर डॉक्टर शेट्टी का सुने। तो आपने एक बहुत ही अच्छे अध्यापक के रूप में ख्याति की हुई थी। लेकिन अब मैं आपसे वो चीज पूछना चाहूंगा कि जो आपका एक विजन है और जो आप जिसमें बहुत कार्यक्षेत्र में रहे कि आप एक मुफ्त हेल्थ केयर देना चाह रहे हैं तृतीय श्रेणी में, कि एक थ्री टायर पे जो टेरिटरी फ्री हेल्थ केयर देना चाहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी देना चाहेंगे? ऐसा है, हम जब बैंगलोर डेंटल कॉलेज में टीचर होके काम कर रहे थे, वो डेंटल कॉलेज पहले मेडिकल कॉलेज का साथ था और वो विक्टोरिया हॉस्पिटल बैंगलोर वही कॉम्पाउंड में हमारा डेंटल कॉलेज है। रोज हम देखते हैं कितने लोग दोस्त डेज बुलक कार्ट्स में आ जाता है, घंटों घंटों तक बाहर खड़के देख डॉक्टर को देखने के लिए खड़के
बाहर ऐसा ही सो जाता है, एक दिन दो दिन भारी भारी कंपाउंड में सो जाते थे। उन लोगों को डॉक्टर इतना डॉक्टर कितना पेशेंट देख सकता है, कितना इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, लेकिन इतना लोग आ रहे थे, लेकिन उन लोगों के पास पैसा नहीं था। आने के लिए पैसा खर्चा करना है, और ठहरने के लिए पैसा खर्चा करना है, और खाने के लिए खर्चा करना है, फिर औषधियों के लिए खर्चा करना है, ये सभी करने के लिए उसका पास पैसा नहीं था। बहुत लोग हम ऐसा देखा है ऐसा ही चले जाते थे। दो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुफ्त ट्रीटमेंट मिलता है तो कुछ पैसा खर्चना पड़ता है, लेकिन आने के लिए दूर दूर से आने के लिए एक दिन 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा होता है उन लोगों को, फिर जाने के टाइम पर। ऐसा लोगों को क्या मदद कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि विक्टोरिया हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल है, उधर सर्जरी टर्शरी केयर हॉस्पिटल सब केयर सभी मिलता है, बहुत सारे लोग स्पेशलिस्ट मिलता है, इन्वेस्टिगेशन को सब मिलता है, इसलिए सब लोग विक्टोरिया हॉस्पिटल आ रहे थे। और विक्टोरिया हॉस्पिटल और बैंगलोर मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल में सारे से सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होता है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स का सभी इक्विपमेंट होता है, सब सब ट्रीटमेंट के लिए क्या चाहे तो सब मिलते हैं। ये मेडिकल कॉलेज का ऐसा है दैट द स्टूडेंट्स आर दे आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स बिकॉज देर आर अबाउट 12 टू 13 सब्जेक्ट्स ऑफ स्पेशलिटीज ऑफ दिस वन दे हैव टू स्टडी, दे हैव टू लर्न हाउ टू प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शियरी हेल्थ केयर, ऑल दोस थिंग्स दे हैव टू लर्न। सो they are divided into groups and they are taught, you know, there will be 6 or 7 units will be there for surgery, 7 or 6 units will be there for medicine, like that for various subjects there will be units, so they are put in groups. Now after coming to Mangalore, you know, we have joined in the ABC Memorial Institute of Dental Sciences as a principal, because it is the founder of this institution is Justice K. Hegde, who was retired as a Supreme Court judge and then become a speaker of the Lok Sabha, and he is from the local area called the Nitte village. So he has come out with the philosophy that we should develop the rural area, so he settled down in the rural area. तो आपने डॉक्टर शेट्टी इस वजह से एक ग्रामीण क्षेत्रों में अपने फ्री मेडिकल सर्विसेज देने के बारे में सोचा। समय भाव है, मैं बहुत और कुछ सुनना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि हम कल भी आपसे रूबरू होने वाले हैं तो हम कल आपसे इस बारे में और डिटेल में भी जानना चाहेंगे। तो अब चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? हमारा संदेश ऐसा होता है, जो लोग whether it is a medical field or health science field or कोई भी हो, तो जब आप सीख रहे हैं तो यही लोगों से they become sick and they come to you and you learn from them, and you know that there are lot of people who cannot afford the treatments. There are a lot of people who cannot avail treatment. Those people cannot have an access to the treatment. And many people doesn't know the awareness of health. So you do your service to all those people who cannot afford, who are not accessible and availability for health care. Give them the best of the medical health so that your own citizens, your own fellow citizens will be happy, healthy, and our nation will be healthy. बहुत 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 बढ़िया बात आपने बताई डॉक्टर शेट्टी, कि जो मरीज है वो सिखाता है डॉक्टर को, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो डॉक्टर सीखेंगे कहाँ पर, और अगर डॉक्टर उन्हें इस तरह का अच्छा ट्रीटमेंट देगा जिन पे पैसे नहीं है तो वो लोग सही होंगे, अगर हेल्थ होगा तो वो उनके पूरा कम्युनिटी और उसके बाद अपना देश
हेल्दी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर श्रीधर शेट्टी कि आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई। एंड आज का कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग का सीधा प्रसारण V4 न्यूज ग्लोबल टीवी V4 स्ट्रीम न्यूज गांव से संवाद सारोकार न्यूज के अलावा YouTube एंड Facebook पे भी किया गया। एंड अवर एंडेवर इज टू ब्रिंग टू यू एवरीडे न्यू टॉपिक इन अवर मॉर्निंग सेशन दैट इज मीडिया कॉन्फ्रेंस विद लाल गोयल। एंड टुमारो एज डॉक्टर शेट्टी हैज मेंशन्ड दैट टुमारो इज द हिज बर्थडे, सो वी आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे इन द दिस थिंग दैट टुमारो इज अवर टॉपिक इज प्राइड ऑफ इंडिया प्रोफेसर डॉक्टर एन श्रीधर शेट्टी। And our we have the guest, eminent guest tomorrow. We have the chief guest of tomorrow's program is Dr. C.V. Anand Bose, IAS, One Man Expert Commission on Labour, Government of India. We have Professor Dr. Mahesh Verma, Vice Chancellor, Indraprastha University, New Delhi. We have Professor Dr. V. Rangarajan, Professor and Head Department of Prosthodontics, Sri Venkateshwara Dental College, Chennai. Professor Dr. U.S. Krishna Nayak, Principal and Dean, A.B. Shetty Memorial Institute of Dental Sciences, Mangaluru. Professor Dr. K.S. Nagesh, former Principal, R.V. Dental College, Bangalore. Professor Dr. Gopa Kumar R. Nair, Professor and Head, Oral Medicine and Radiology, K.D. Dental College, Mathura. And Professor Dr. Padmaraj Hegde, Chairman, A.B. Shetty Students Association, Mangaluru. And of course, Professor Dr. N. Sridhar Shetty, Founder Dean, A.B. Shetty Memorial Institute of Dental Sciences, Mangaluru, as well as the former National President of Dental Council of India will be there to tell, all the guests will be speaking about him, and then we expect that he will give more details about this, his vision about this statutory healthcare, free healthcare for in the rural area. So, bahut bahut dhanyawad punah ek bar aapka Dr. एन श्रीधर शेट्टी की आप हमारे संग जुड़े और हमारे हमारे दर्शकों को बहुत कुछ आपने बताया। एंड बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आपका कि आप